गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग ग्रामर में फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है नाउंस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन के थ्री टाइप होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड काउंटेबल नाउन एंड थर्ड अनकाउंटेबल नाउन। जहां हम प्रॉपर नाउन के बारे में पहले ही प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यहाँ हम नाउन के दो टाइप्स काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए पिक्चर्स को देखें और सेंटेंसेस को पढ़ें। यहाँ पिक्चर के नीचे सेंटेंस दिया गया है। फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल इज ईटिंग टू एप्पल्स। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉटल इज फुल ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉटल्स आर फुल ऑफ वाटर। इन द एबव सेंटेंसेस एप्पल एंड वाटर आर नेमिंग वर्ड्स। ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में एप्पल और वाटर जो नेमिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि ये किसी थिंग का नेम है इसलिए एप्पल और वाटर ये दोनों नेमिंग वर्ड्स हैं। We can count apples, but we cannot count water. हम apples को count कर सकते हैं लेकिन water को count नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप example में देख रहे हो, यहाँ one apple है, यहाँ two apples हैं, तो यहाँ apples को count किया जा सकता है लेकिन water को count नहीं किया जा सकता है। Nouns can be either countable or uncountable. नाउंस या तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो सकता है। काउंटेबल नाउंस आर दोज दैट रिफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। दाउ वी कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल नाउंस। काउंटेबल नाउन वे नाउन है जो वैसे थिंग्स के बारे में बताता है जिसे काउंट किया जा सकता है, जबकि हम अनकाउंटेबल नाउंस को काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ फिर से उसका डिफिनेशन दिया गया है। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन्स वैसे थिंग्स को कहते हैं जिसे काउंट कर सकते हैं, जिसे गिन सकते हैं। एग्जांपल ऑरेंजेस, टाइगर्स, बुक्स। इसी तरह मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए जैसे काउज, पेंस, गर्ल्स। तो ये सभी काउंटेबल नाउन्स हैं क्योंकि इन सभी को काउंट किया जा सकता है। और काउंटेबल नाउन के पहले ही ए एन का यूज होता है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ इन सभी का प्लूरल फॉर्म लिखा गया है क्योंकि ये सभी काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के पहले ही ए एन का यूज होता है और उसका प्लूरल फॉर्म होता है। इसी तरह मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया ए बॉय। तो यहाँ बॉय के पहले ए का यूज किया गया है क्योंकि बॉय काउंटेबल नाउन है। इस तरह हम जिस नाउन के पहले ए एन का यूज होता है और जिसका प्लूरल फॉर्म होता है वह काउंटेबल नाउन होता है। तो ये सभी काउंटेबल नाउन्स है। फिर नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स वी कैन नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन्स वैसे थिंग्स को कहते हैं जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल रेन, पाउडर, एयर। इसी तरह मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए जैसे ऑयल, मिल्क, वाटर। तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इन सभी को काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो ए एन का यूज होता है और ना ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। वी मेजर दैम इन द फॉलोइंग वे। हम उन्हें निम्न तरीकों से मेजर करते हैं, मापते हैं। जैसा कि यहाँ आप एग्जांपल्स में देख रहे हो, जैसे मिल्क या ऑयल या वाटर या मिल्क या वाटर, टी या कॉफ़ी, हनी या पिकल, सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन हैं क्योंकि इन सभी को काउंट नहीं कर सकते हैं। हमने पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहते हैं, वैसे थिंग्स को कहते हैं जिसे काउंट
नहीं किया जा सकता है। तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इन सभी को काउंट नहीं कर सकते हैं, इन सभी को सिर्फ मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल्स में देख रहे हो, जैसे मिल्क या ऑयल, इन सभी को एक बोतल से माप सकते हैं या ग्लास से माप सकते हैं। जैसे हाँ ए जग ऑफ वाटर, यहाँ वाटर को जग से मापा गया है। यहाँ टी या कॉफ़ी को एक कप से मापा गया है। यहाँ हनी या पिकल को एक जार से मापा गया है। यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक को एक बोतल से मापा गया है। तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे यहाँ ए बॉटल ऑफ मिल्क या ऑयल, तो बॉटल यहाँ एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि बॉटल को काउंट कर सकते हैं, तो बॉटल यहाँ काउंटेबल नाउन है। और मिल्क या ऑयल एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि मिल्क या ऑयल को हम माप सकते हैं, जैसा कि यहाँ मापा गया है। इसी तरह ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब नेक्स्ट पेज में आएंगे, एक्सरसाइज वन। अरेंज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द प्रॉपर कॉलम्स गिवन बिलो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को नीचे दिए गए प्रॉपर कॉलम्स में अरेंज करें। यहाँ बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को काउंटेबल, ये इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसे करेक्ट कॉलम में लिखना है। जैसे यहाँ किया गया है, जैसे फर्स्ट में है ग्रैप्स, तो ग्रैप्स काउंटेबल नाउन है क्योंकि ग्रैप्स को काउंट किया जाता है, इसलिए ग्रैप्स को काउंटेबल के कॉलम में लिखा गया है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ है जूस, तो जूस यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि जूस को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जूस को अनकाउंटेबल के कॉलम में लिखा गया है। इसी तरह बॉक्स से वर्ड को चूज करके सही कॉलम में लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखिए काउज, तो काउज को हम काउंट कर सकते हैं, इसे गिन सकते हैं, इसलिए काउज एक काउज काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसे काउंटेबल के कॉलम में लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट है मैन, तो मैन को भी काउंट किया जा सकता है, मैन को भी हम गिन सकते हैं, तो मैन एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसे काउंटेबल के कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है जूस, तो जूस एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि जूस को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जूस अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसे अनकाउंटेबल के कॉलम में लिखना है, जो लिखा गया है। इसी तरह नेक्स्ट है आइस, तो आइस को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आइस को यहाँ अनकाउंटेबल के कॉलम में लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए बॉटल, तो बॉटल को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए बॉटल काउंटेबल के कॉलम में होगा, तो इसे आप यहाँ लिखोगे। इसी तरह यहाँ वर्ड्स को चूज करके सही कॉलम में लिखना है। एक्सरसाइज टू, राइट वेदर द अंडरलाइंड नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अंडरलाइन किया गया नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसे लिखें। जैसे क्वेश्चन नंबर ए देखिए, आई डोंट लाइक कॉफ़ी। इस सेंटेंस में अंडरलाइन किया गया नाउन कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, उसे लिखना है। तो कॉफ़ी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कॉफ़ी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के लिए यहाँ यू देना है। अनकाउंटेबल को यहाँ यू से इंडिकेट किया गया है, इसलिए आप यहाँ यू दोगे। फिर नेक्स्ट है बी में, माई फादर यूजेस बटर टू प्रिपेयर केक्स। इस सेंटेंस में दो नाउन्स पर अंडरलाइन किया गया है। फर्स्ट है बटर, तो बटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो बटर के लिए यहाँ बटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए यहाँ यू देंगे। फिर इसी सेंटेंस में एक और नाउन पर अंडरलाइन किया गया है, केक्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसे गिन सकते हैं, तो केक्स यहाँ काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल के लिए यहाँ सी देना है, तो यहाँ सी देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई प्रीफर टी। इस सेंटेंस में टी को अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ आपको बताना है कि अंडरलाइन किया गया नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है।
तो टी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए टी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ अनकाउंटेबल के लिए यहाँ यूज इंडिकेट किया गया है, तो आप यहाँ यू दोगे। इसी तरह आपको एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना है। तो आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करोगे और इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज आए हैं उसे कंप्लीट करोगे। थैंक यू।